हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ टेस्टी एंड टैंगी कर्ड कॉर्न की रेसिपी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न को 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रखा है। तब तक कर्ड मिक्सचर बनाना देखते हैं। एक बाउल कर्ड लेनी है जिसकी वाटर कंटेंट हमें रिमूव करनी है। यहाँ पर मैं 2-3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जो कि एक मिल्की सा टेस्ट देता है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा सा पेपर पाउडर। पेपर पाउडर आपके फ्लेवर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा नमक। आप नमक अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। उसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। बिना लम्प्स आए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम अपने कॉर्न को देखेंगे। कॉर्न यहाँ पर अच्छे से स्टीम हो चुका है। अभी मैं आपको सर्विंग कराना दिखाऊंगी। दो ग्लास ले लीजिए, उसमें सबसे बॉटम में आपको कॉर्न ऐड करनी है। जितना आपको पसंद है उतना आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों ही ग्लास में बॉटम में पहले स्टीम की हुई कॉर्न ऐड कर ली है। अभी हमें कर्ड का जो मिक्सचर बनाया था उसे उसके ऊपर डालनी है। उसके ऊपर कितना आपको क्रीमी टेक्सचर अच्छा लगता है उतना आप डाल सकते हैं। अभी इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा सा कॉर्न डालेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों ग्लास में कॉर्न डाली है। आप चाहे तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा सा फ्लेवर देता है। अभी इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा जो कर्ड मिक्सचर था वो ऐड कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से। अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो रेडी है हमारा कर्ड कॉर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।